मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर चैप्टर दैट इज सिंपल मशीन्स। सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट लिवर। पहले हमने लिवर के बारे में पढ़ा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप अबाउट लिवर। लिवर के बारे में एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। दैट व्हाट इज लिवर? अ लिवर इज अ रॉड ऑफ मेटल और दैट कैन मूव इट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। हमने पढ़ा कि लीवर क्या होता है, एक तरीके की रॉड होती है जो कि मेटल की होती है। दैट कैन मूव इट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, जो कि जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है वहां पे वो मूव करती है, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंक्लाइंड प्लेन वेज। सो व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन? An inclined plane is a flat surface where the one end is the higher than the other. Inclined plane क्या होता है? Inclined plane आपका एक flat surface होता है जिसमें से उसका एक end जो है वो ऊंचा होता है, और ये ऐसे slope type में होता है, that is called a inclined plane. Next one is wedge. A wedge is a basically an inclined plane. Wedges have two or more sloping sides. वेज भी आपका एक तरीके का इंक्लाइंड प्लेन होता है, बट इसमें क्या होता है? टू और मोर स्लोपिंग स्लाइड। इसमें दो या दो से ज्यादा स्लोपिंग स्लाइड्स होते हैं, ठीक है? एक इस साइड, दैट वन दिस साइड, ओके? नाउ व्हील एंड एक्सल। सो सिंपल मशीन्स दैट इंक्लूड्स अ व्हील दैट टर्न्स ऑन अ रॉड कॉल्ड द एक्सल। सो व्हील एंड एक्सल हम किसे कहते हैं? वो सिंपल मशीन दैट इंक्लूड, जिसमें कि व्हील और एक्सल दोनों होते हैं, ठीक है? व्हील जो कि एक रॉड होती है, सॉरी एक्सल जो कि एक रॉड होती है, और व्हील जो है वो उस पे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ व्हील एंड एक्सल। नेक्स्ट इज पुली। यू कैन सी नेक्स्ट इज पुली। अ पुली इज अ सिंपल मशीन दैट यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। पुली आपकी वो सिंपल मशीन्स है जो हैवी लोड्स को लिफ्ट करने में काम आती हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्रू। अ स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन वाउंड अराउंड अ रॉड। सॉरी, स्क्रू आपका वो एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, जिसमें कि चारों तरफ आप देखते हो एक थ्रेड टाइप का, जिसे आप देखते हो कि स्क्रू में एक थ्रेड टाइप का कुछ कर्विंग्स होती हैं, ठीक है? उसको हम स्क्रू कहते हैं। सो लेट्स नो मोर अबाउट दीज टर्म्स। इंक्लाइंड प्लेन। नाउ लुक एट दिस वीडियो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिरामिड दैट इज 481 फीट हाई, जो कि 481 फीट ऊंचा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको बनाया कैसे गया होगा? सो लुक एट दिस पिक्चर। विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन दैट इज अ सिंपल मशीन, जो आपकी एक सिंपल मशीन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू देखिए, जिसमें हम इंसान एफर्ट कर रहा है और ये आसानी से ऊपर जा रहा है। सो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन। सो एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस वेयर द वन एंड इज द हायर देन द अदर। सो इंक्लाइंड प्लेन आपका क्या है? जो वो इंक्लाइंड प्लेन मीन्स टू अ फ्लैट सरफेस, जहाँ पर एक एंड आपका ऊंचा होता है और दूसरा उससे नीचा होता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या कर रहा है? ये रोल को ऊपर बहुत आसानी से लेकर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोड जो है वो बहुत हैवी है और इसको कम एफर्ट करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। सो हम कह सकते हैं कि एन इंक्लाइंड प्लेन हेल्प्स पीपल मूव लोड्स। इंक्लाइंड प्लेन हेल्प करता है लोगों की लोड्स को मूव कराने में। अ लोड वॉट एवर नीड्स टू बी लिफ्टेड। लोड कैसा भी हो, जो भी आपको लोड उठाना हो। एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो इंक्लाइंड प्लेन। आपने ऐसी सीढ़ियाँ भी देखी होंगी कई घरों में, ओके? सो इट इज ईजी टू यूज एन इंक्लाइंड प्लेन वाइल मूविंग अ लोड टू हायर प्लेन। सो वी कैन से दैट एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स टू अ हायर प्लेस। सो हम कह सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन एक तरीके की वो सिंपल मशीन है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं, या फिर ऊंचाई से हम ऑब्जेक्ट्स को नीचे ला सकते हैं विद लेस एफर्ट, यानी कि कम एफर्ट में, ओके? सो इट इजी टू
move and heavy load down the inclined plane as less force is needed in a such condition. So, कोई भी कंडीशन हो, हमारा जो एफर्ट है इसमें इंक्लाइंड प्लेन में हमारा एफर्ट कम हो जाता है और हम आसानी से चीज़ों को ऊपर लेकर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे लेकर आ सकते हैं. As you can see in this picture, ramp, stairs, this, आप ये जो झूला देख रहे हो, these are the examples of inclined plane. ये सभी आपके inclined planes के कुछ examples हैं. Now we will read wedge. Look at this video. What this man is doing? He is trying to cut a log. ये log को cut करने की कोशिश कर रहा है. But ये नहीं कर पा रहा है. He is trying with effort and force. But नहीं हुआ. What is this? This is a wedge. Okay? Now a wedge is a basically an inclined plane. Wedges have two or more sloping slides. Now see how it works. अब देखते हैं ये कैसे काम करता है. हाँ, basically अब देख रहे हैं कि इसको इसने क्या किया, वेज को लॉक के बीच में रखा. Now he pushed the wedge. अब ये वेज को पुश कर रहा है जिससे कि ये लॉक को अपार्ट यानी कि दो पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया. अभी भी ये इससे पहले एफर्ट कर रहा था बट ये एफर्ट उसका वर्क नहीं किया. लुक एट दिस. हाँ, ये भी आपका एक तरीके का वेज है जो कि आप देख रहे हैं कि ये साइड से फोर्स लगाने पर ये कट हो गया. सो हमने क्या देखा कि व्हेन द वेज इज पुश्ड इनटू अ गैप, जब वेज को गैप्स में पुश किया गया और जो लोड पीछे से हमने लोड लगाया यानी कि हमने एफर्ट लगाया जो कि उसका पीछे का साइड जो था वो स्लोपिंग साइड था, वहाँ से हमने क्या किया, एफर्ट किया, लोड लगाया, तो इसका क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया फोर्स लगाने से. और ये जो लॉक था इसके टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, जितने भी आप पार्ट्स करना चाहते हैं इसका पार्ट आसानी से हो गया. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेज. एक्स, दैट इज एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. X is the an example of wedge. आपका X जो है वो example है आपका wedge का. Next one is this. This is also, that is also called a wedge. Okay? So these are the knife, razor, all are the examples of the wedge. Now the next is wheel and axle. So look at this video. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हील एंड एक्सेल. व्हील और एक्सेल होता क्या है. सो सिंपल मशीन्स दैट इंक्लूड्स अ व्हील दैट टर्न्स ऑन अ रॉड कॉल्ड द एक्सेल. व्हील और एक्सेल भी एक तरीके के सिंपल मशीन्स हैं जिसमें कि शामिल होता है व्हील और एक्सेल. व्हील मीन्स पहिए एंड एक्सेल जिस पर वो पहिए लगे होते हैं, ठीक है, जिस पर वो व्हील मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ एक्सेल. ठीक है, ओके. सो दिस व्हील एंड एक्सेल मूव टू हेल्प ऑब्जेक्ट्स मेक अवर वर्क इजियर एंड फास्टर. सो ये जो व्हील और एक्सेल हैं ये हमारी मदद करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, हमारे काम को बहुत जल्दी कर देने में मदद करते हैं. ओके, सो द व्हील्स एंड एक्सल ऑफ अ ट्रक, ट्रेन, बस, ऑल द व्हीकल्स मेक इट ईजियर एंड फास्टर टू मूव वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. सो ये हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं. अगर हमें बहुत दूर दूर तक जाना होता है तो हम बस से, ट्रेन से और भी व्हीकल्स का यूज़ करते हैं और हम लोगों का कम एफर्ट लगता है और हम जल्दी भी पहुँच जाते हैं और हमारा एफर्ट भी कम लगता है. ठीक है, सो पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं वर्क के. हम लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं. व्हील एंड एक्सल हेल्प टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ एफर्ट नीडेड टू मूव समथिंग वन प्लेस टू अनदर. व्हील और एक्सल हमारी मदद करते हैं कि जितनी भी हमारा एफर्ट है वो हमारा एफर्ट को कम कर देते हैं. जैसे कि आपने ड्राइवर को देखा होगा कि पूरा लोड जो है वो व्हील और एक्सल पे, व्हीकल्स का पूरा लोड व्हील्स और एक्सल पे होता है, बस ड्राइवर को क्या करता है, कम एफर्ट में
व्हीकल को मूव कराना होता है. ओके सो इससे क्या होता है, हमारा एफर्ट कम लगता है. ओके नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल. एज यू नो देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल्स लाइक सीविंग मशीन, साइकिल, ग्राइंडिंग मशीन्स एंड ट्रेन, द स्टीयरिंग ऑफ कार, डोर नॉब एंड सो ऑन. और भी इस तरह से आप देखते हो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ तक कि फ़ैन भी जो आप ऊपर देखते हो, फ़ैन, विंड मिल, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट स्क्रू. लुक एट दिस वीडियो. दिस मैन इज गोइंग टू पुट दिस लॉग अंडर द टेबल. ओके ये टेबल के नीचे इसका लेग फिट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू. नो व्हाट इज स्क्रू, स्क्रू एंड इट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड द सिलेंडर. क्योंकि ये जो स्क्रू है ये सिलेंडर शेप में है, तो ये स्क्रू आपका जैसा आपने देखा दैट्स इज अ स्क्रू. अ स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल. ये स्क्रू बिल्कुल नेल की तरह देखने में लगता है, कील की तरह देखने में लगता है, बट इसमें क्या होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं, कटिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, जिसे हम थ्रेड भी कहते हैं. अच्छा इसमें क्या होता है कि हम इसमें एफर्ट कम लगता है. हमको अगर किसी चीज़ को जैसे कि टेबल का लग को टेबल में फिट करना है तो स्क्रू से क्या होगा कि स्क्रू के फिट करने से वो चीज़ें एकदम से फिट हो जाती है, यानी कि टेबल का जो पैर है वो टेबल में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा. सो एज़ यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ स्क्रूज़. इसमें कई तरीके के स्क्रूज़ हैं, कुछ स्क्रूज़ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो जहाँ पर जिस तरह के स्क्रूज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम स्क्रूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है. सो स्क्रू इज़ एन एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन वाउंड अराउंड अ. सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस पिक्चर, इन दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट सिक्स टाइप्स ऑफ मशीन्स, दैट इज नंबर वन लेवर, नंबर टू इंक्लाइंड प्लेन, नंबर थ्री वेज, नंबर फोर व्हील एंड एक्सल, नंबर फाइव पुली, एंड लास्ट वन इज स्क्रू. सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न ऑल द टर्म्स ऑफ दीज सिंपल मशीन्स एंड राइट इन योर होमवर्क कॉपी.